दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से अकोला शाखा एवं विकासा को सर्वोत्कृष्ट शाखा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट व छात्रों में खुशी का माहौल है। छोटी शाखाओं की श्रेणी में महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा, इन 3 राज्यों से लगातार तीसरी बार अकोला शाखा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महिलाओं अथवा युवतियों के लिए किसी भी समय कोई मुसीबत में घिर जाने के दौरान पुलिस की तत्काल सहायता सेवा हासिल करने के लिए शुरू की गई डायल 112 का दुरुपयोग होने लगा है, जिसकी एक और घटना सामने आई है। इस मामले में तेलहारा तहसील की एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। अलसी प्लॉट में फ्लाईओवर का निर्माण जारी है। खुदाई के दौरान 2 दिनों पूर्व भी वहां जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ। अब तक उसकी मरम्मत न होने से कुछ दिनों बाद नल आने पर फिर पानी बर्बाद होने की आशंका है। करीब 105 दिन बीत गए हैं, फिर भी एसटी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू है। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों की संख्या कम होने से राज्य परिवहन निगम द्वारा एसटी का स्टीयरिंग निजी चालकों के हाथों में सौंपा जा रहा है। यह यात्रियों के जान के साथ खिलवाड़ है। हड़ताल खत्म करने के लिए महामंडल अलग अलग उपाय आजमा रहा है। अकोला महानगर पालिका के आगामी चुनाव में 91 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है, किंतु बरसों बाद भी महानगर पालिका की नूतन इमारत निर्माण के रोड़े दूर नहीं हुए। इस कारण पुरानी खस्ताहाल इमारत में ही मनपा का कामकाज चल रहा है। उसमें छोटा सभागृह पहले से ही 80 पार्षदों की बैठक व्यवस्था के लिए कम पड़ रहा है। जिला परिषद के शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश पाने के लिए इच्छुक छात्र 16 फरवरी से नामांकन भर सकेंगे, जबकि शालाओं के रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी तक चलेंगे। इसके बाद ही छात्र अपनी पसंदीदा शाला में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से ड्रॉ निकाला जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में गठित विशेष दल को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर गायगांव में भिवटे के खेत में चल रहे जुआ अड्डे पर दल ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में विनोद रामभाव घाटोले, विनोद गौतम चावर, सचिन वानखडे के पास से वली की चिट्ठी पट्टियां नकद मिलाकर 20,370 रुपए की सामग्री जब्त की गई है। गाड़ी नंबर 11039 महाराष्ट्र एक्सप्रेस सुबह अकोला रेलवे स्थानक पर पहुंची। मात्र आज यह रेलगाड़ी नए अवतार में नजर आए। इस रेलगाड़ी के डिब्बों पर महाराष्ट्र प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा किए गए विकास कामों की छायाचित्र नजर आए। विगत 2 वर्षों में शासन के विकास कामों की पूरी जानकारी रेल के यानों पर प्रदर्शित की गई है। अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त पर स्याही फेंकने की घटना घटी है। इस घटना के निषेध में अकोला महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने गुरुवार को काली फीत लगाकर काम किया। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा है। जल जीवन मिशन अंतर्गत गांवों में सुधारित जलापूर्ति योजना व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गंदा पानी तथा घनकचरा व्यवस्थापन के प्रलंबित काम तत्काल पूरे करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार ने संबंधितों को दिए। अकोला तहसील के डोंगर गांव, वणी रंभापुर, पैलपाड़ा गांवों में किए गए कामों का मुआयना करते हुए वे बोल रहे थे। दिव्य हिंदी न्यूज़, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।